कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुरू की भारत जोड़ो यात्रा में चंद्रपुर की प्रेरणा गौर नामक युवती शामिल हुई थी। यात्रा खत्म होने के बाद चंद्रपुर लौटने पर प्रेरणा गौर ने पत्र परिषद लेकर भारत जोड़ो यात्रा दौरान आए अनुभव व्यक्त किए। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की घोषणा की थी, जो 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई। इस यात्रा में भारत के विभिन्न राज्यों से होते हुए 3500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई। इस यात्रा में कई राज्यों से लोग जुड़े। यात्रा में जन सैलाब उमड़ा था। राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा में चंद्रपुर से प्रेरणा गौर नामक युवती इस यात्रा में शामिल हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद प्रेरणा गौर चंद्रपुर लौटी। इस संदर्भ में प्रेरणा गौर ने पत्र परिषद लेकर भारत जोड़ो यात्रा दौरान उन्हें आए अनुभव व्यक्त किए। पत्र परिषद में सुभाष गौर, नंदू नागरकर, सुनीता लोढ़िया, विनोद दत्तात्रेय आदि मौजूद थे। भारत जोड़ो यात्रा में मेरा जुड़ने का जो मूल उद्देश्य था, वो भारत को जोड़ने का, हमारे नेता श्री राहुल जी के नेतृत्व में जो ये ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो शुरू की, उसमें देश को बचाने के लिए, आपसे भाईचारे के लिए, संविधान को बचाने के लिए और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसी जो चीज़ें देश में आज भारत आरएसएस और बीजेपी ने फैलाई है, उसके खिलाफ खड़े होने के लिए और अपने नेता श्री राहुल गांधी जी को का साथ, उनको कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ चलने के लिए मैंने ये यात्रा स्टार्ट की और ये यात्रा बहुत सफल रही। हर राज्य में हमें बहुत सारा जन समर्थन, जन सैलाब उमड़ा और कई राज्यों में हमें अलग अलग दृश्य देखने को मिले। हर एक राज्य में वो बढ़ता चला गया और यात्रा बहुत अच्छी तरीके से पूरी हम सब ने मिलकर की, पूर्णता से और बहुत ही ज़्यादा सद्भावना के साथ, राहुल जी की सद्भावना के साथ और उनकी ऊर्जा के साथ हमने ये यात्रा पूरी की। हमारी यात्रा में 120 भारत यात्री थे, जिनमें से तकरीबन 38-40 महिलाएं थीं और बाकी सारे पुरुष थे और सब अलग अलग राज्यों से आते हैं और सारे सब भारत जोड़ने के लिए हम सब साथ में थे। इससे मैंने बस अपने खूबसूरत भारत जो एक गुलदस्ता है उसको एक साथ रखने का, कि मैंने आपसी भाईचारा के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ, जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो पूरे विश्व में भारत को एक अलग पहचान देती है, जिसमें सब एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक अलग अलग विभिन्नता में भी एक साथ रहते हैं, ऐसे देश को से मैं आती हूँ और उसको बचाना और संविधान को बचाने का मेरा मूल उद्देश्य है और इसी के साथ में ये, और मैं अपने संगठन के लिए आगे भी काम करती हूँ।